सो हे गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो के साथ में। और आज की वीडियो में मैं आपको ये स्क्रीन पे जो थंबनेल दिख रहा है, ये थंबनेल बनाना सिखाने वाला हूँ। थंबनेल की क्वालिटी आप यहाँ से देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमारा थंबनेल है। और सबसे बड़ी बात है कि थंबनेल हमने सिर्फ पिक्सार्ट का यूज़ करके बनाया है। पिक्सार्ट के अलावा हम किसी भी अदर एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो बस वीडियो को ध्यान से देखना, और बहुत ज़्यादा ईजी थंबनेल है, बहुत आसानी से बन जाएगा ना। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली ऐसे हमको आ जाना अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। सो यहाँ से मैं अपना पिक्सार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, और फ़ोन को आप रोटेट कर लेना जिससे आपको अच्छे से दिखेगा ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एडिट ऑफ फोटो पे आ जाएंगे। एडिट ऑफ फोटो पे आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हमको एक स्क्रीनशॉट चाहिए होगा जिसका हम थंबनेल बनाने वाले हैं। तो ये वाला स्क्रीनशॉट मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो इसको मैं ऐसा ऐड कर लेता हूँ। इसका ऐड करने के बाद क्या करना है कि ऐसे हमको टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है ना। फिर ऐसे हमको क्रॉप पर जाना है, देन अभी यहाँ से 16:9 का एक ऑप्शन है, इस पर हमको टैप करके कुछ इस तरीके से हमको अपना स्क्रीनशॉट इसको क्रॉप कर लेना है। देख लीजिए ना, कुछ इस तरीके से इसको हम क्रॉप करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, कुछ ऐसे ही क्रॉप करना है आपको ना। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको कर लेना है सेव ना, इसको आपको सेव करना है क्रॉप करने के बाद। वो क्यों उसका कारण आपको अभी पता लग जाएगा, बस आपको इसको सेव कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से हमको एपेक्स वाले बटन पर जाना है, और फिर इस पर जाने के बाद यहाँ से BNW वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से आपको थर्ड नंबर पर रहना है, BNW हाई कौन है ना ये वाला है, तो इस पर हमको टैप कर देना सिंपली। फिर इसको कर देंगे और राइट क्लिक करना, कुछ इस तरीके से आपको करना देख लीजिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम जाएंगे अपने ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद क्या करना है कि यहाँ से हमको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PNG दे दूंगा ना, ये वाला है देख लीजिए, इसको आपको ऐड करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है ना। तो इसको हमको इस तरह से पहले बराबर कर लेना है स्क्रीन के, और इसको लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर रख देना बिल्कुल है ना। आप राइट में रखना चाहते हो राइट में रख सकते हो, लेफ्ट में भी रख सकते हो है ना। आप अपने को कैरेक्टर के अकॉर्डिंग देख लेना आपको कहाँ पर रखना है। और फिर क्या करना है कि आपको यहाँ से जाना है एडजस्ट वाले बटन पर, और फिर ह्यू पर जाना है ना। उसके बाद यहाँ से इसका कलर देख लीजिए, आपके जो कैरेक्टर ना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कलर इसका सेलेक्ट कर लेना, जिस भी कैरेक्टर का जो आपका कलर है ना आउटफिट का उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं इसको रेड कलर रखूँगा, क्योंकि रेड ही बढ़िया लगता है ना। इसको रेड कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ। देन अभी क्या करना है, इसका हमको क्या करना है, एक और डुप्लीकेट कर लेना है। ऐसे लेयर पर क्लिक करके हम कर लेंगे इसका डुप्लीकेट, और आपकी बार आपने जो कैरेक्टर्स है ना स्क्रीनशॉट में उन पर इसको रख के ब्लेंड पे जाकर इसको कर देना है स्क्रीन है ना, इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से आपको करना है। देन आपको इरेज वाले बटन पर टैप करके यहाँ से इरेज पर टैप करके हार्डनेस को बिल्कुल माइनस कर लेना है, और यहाँ से इस तरीके से इसको इरेज कर लेना है जिससे बॉर्डर्स दिख रहे हैं ना कॉर्नर्स पर वो नहीं दिखेंगे, देख लीजिए इस तरीके से आपको करना है बस। देन राइट क्लिक कर देंगे है ना, अभी प्लस पे टैप करना है, और फिर क्या करना है, यहाँ से हमको ऐड फोटो पे जाना है, और अपना जो स्क्रीनशॉट हमने सेव किया था ना उस स्क्रीनशॉट को ऐसा हम ऐड कर लेंगे है ना। इसको ऐड करने के बाद क्रॉप पर जाएंगे, और इस तरीके से हमको पहले तो अपना जो एनिमी उसको क्रॉप कर लेंगे इस तरीके से, रुकिए है ना इस तरह से। और रिमूव वीजी वाला बटन पर टैप करके रिमूव बैकग्राउंड पर हम टैप कर देंगे, जिससे हमारा जो कैरेक्टर उसका PNG बन जाएगा है ना। इस तरीके देख लीजिए, एनिमी वाले का तो हमारा PNG बन चुका, तो इसको हमको जो हमारे स्क्रीनशॉट में एनिमी था ना उसके ऊपर इसको रिप्लेस कर लेना है इस तरीके से, देख लीजिए कुछ इस तरीके से कर लेना है। देन अगेन ऐड फोटो पे जाएंगे, अपना जो स्क्रीनशॉट हमने सेव किया था ना उस पर क्लिक करेंगे, और इसको भी ऐसे क्रॉप कर लेंगे इस तरीके से। आपकी बार अपना मेन कैरेक्टर इसको क्रॉप करेंगे, रिमूव बीजी पर जाकर रिमूव बैकग्राउंड पर हम टैप कर देंगे, जिससे हमारा इसका भी PNG बन जाएगा ना इस तरीके से, देख लीजिए। अब याद थोड़ा सा हमारा गर्दन कट चुका है, तो उसको हम ऐसे सेट कर लेंगे। तो पहले तो इसको ऐसे हम सेट कर लेते है ना, इस जगह के पास में जो हमारी जगह है उसके पास में इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे, देख लीजिए। सो कुछ इस तरीके से पहले अच्छे से सेट करने के बाद इरेज पे टैप करूँगा, और जहाँ का भी हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट कट चुका है ना वहाँ पर इसको अप्लाई कर लेंगे। जैसे ये आपने जो हेयर है ना वो भी कट हो गए थे उसमें, तो इस तरीके से मैं अपने हेयर्स पर भी इसको अप्लाई कर लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट उसको हम इरेज कर देंगे किस तरीके से, देख लीजिए। ये वाला भी अपना हो चुका है ना, ऐसे आप अच्छे से कर लेना, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, इस तरह से आपको करना है, देख लीजिए। ये अपना काम कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम ऐड फोटो पे जाएंगे, और अब की बार हमको अपना मेन कैरेक्टर ऐड करना है जो कि हम थंबनेल में यूज़ करने वाले हैं। तो आप कोई सा भी कैरेक्टर आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कैरेक्टर्स की है ना, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो जैसे कि हम इसमें यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वाला कैरेक्टर मैं इसमें यूज़ करूँगा, सो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ है ना। इसको ऐड करने के बाद पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ, सो क्लिप एंड रोटेट पे जाकर इधर की साइड में रोटेट इस तरह से इसको बड़ा करके, और इस तरह से इसको रख लूँगा मैं ना, इस तरीके से इसको रख लेना, देख लीजिए ना इस तरह से। इसको अच्छे से सेट करने के बाद क्या करना है, मुझे प्लस वाले बटन पर टैप करना है,
स्टिकर पर जाना सर्च वाले बटन पर टैप करके, है ना, यहाँ से हमको सर्च करना है येलो लाइट, है ना, जिस भी कलर का आप थंबनेल बना रहे हो ना, तो उसी कलर की लाइट आप यहाँ से सर्च कर लेना। इस तरह की लाइट आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके इधर की साइड में आपको रखना है गर्दन के पास में कैरेक्टर के, ना, उधर रखने के बाद ब्लेंड पे जाकर लास्ट में एक ऐड का ऑप्शन है उस पर इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, जिससे ग्लो आएगा अपने कैरेक्टर पे। उसके बाद ऑप्सिटी पर जाकर ऑप्सिटी को हम कम कर लेंगे यहाँ से अराउंड 75। देन लेयर पर टैप करके हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर रखेंगे इधर की साइड में, ना, एक तो हम गर्दन के पास रखेंगे, एक कंधे पर रख लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए कैरेक्टर में ग्लो भी आ चुका है, है ना। अभी हमको क्या करना है कि अपना टाइटल लिखना है, तो टाइटल लिखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको मैं इजी वे दिखा देता हूँ। सबसे आसान तरीका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दूंगा ना, उसमें टेक्स्ट की लिंक है, तो उस पर आप जैसे ही टैप करोगे ना, तो रुकिए मैं आपको बताता हूँ एक मिनट किस तरीके से हमारा जो इंटरफेस आएगा वगैरह के लिए। टेक्स्ट की लिंक मैं आपको ऑटोमेट दे दूंगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक रेडी मिल जाएगा आपको, है ना। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपका, आप यहाँ से देख सकते हो ना इस तरह से, तो यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा हुआ है हैकर, इस पर आपको सिंपली टैप करना और इसको कर देना है कट, है ना। देख लीजिए कट हो चुका है। अभी अपना जो भी टाइटल है वो यहाँ से लिख सकते हो, है ना। देखिए जो भी आप लिखोगे ना वो ऑटोमेटिक यहाँ से लिख के आ जाएगा और अपने आप जो जनरेट हो जाएगा ना, तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लिख सकते हो। जैसे कि मैं हैकर यहाँ से लिख लेता हूँ, हैकर, और कुछ एक दो ये ऐड कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो कुछ इसमें ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। उसके बाद ऐसे देख लीजिए एक डाउनलोड का बटन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा PNG ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है। इस पर जैसे ही टैप करोगे तो हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे लोडिंग लेगा और डाउनलोड का बटन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद अभी हम वापस आ जाएंगे अपने पिक्सार्ट में, देन अभी हम जाएंगे ऐड फोटो पे, और अभी हमने जो सेव किया था ना टेक्स्ट लिख के, उसको हम कर लेंगे ऐसे ऐड, है ना। देख लीजिए हमने ऐड कर लिया, इसको ऐड करने के बाद क्या करना है, इसको कुछ इधर की साइड में रखना है, देख लीजिए लेयर पर टैप करना और इसको क्या करना है, वो नीचे मूव डाउन कर लेना है अपने जो कैरेक्टर है ना एनीमे वाला, उससे नीचे, और इस लाइट से भी इसको नीचे कर लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से ना। और अब इसको हम सही से सेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो कुछ इस तरीके से ये अपना सेट हो चुका, आप यहाँ से देख सकते हो टाइटल भी ना। अभी हम स्टिकर पर जाएंगे और अभी यहाँ से हमको एक काम करना है, बिगनेट सर्च करना है ना, बिगनेट, और ये बॉटम वाला बिगनेट मिलेगा, इसको डाउनलोड करके इसको इस तरह से बड़ा करेंगे और इसको नीचे की साइड में रख देंगे कुछ इस तरह से, है ना, थोड़ा सा उसको नीचे करेंगे, है ना, कुछ इतना रखेंगे, देख लीजिए ना। इतना करने के बाद इसको हम राइट क्लिक कर देंगे और हम जाएंगे यहाँ से क्या करेंगे, टूल्स पर जाएंगे और यहीं रेंज पे जाके इसकी जो क्वालिटी है उसको ऐसा इंक्रीज कर लेंगे। और अभी आप यहाँ से देख सकते हो हमारा जो थंबनेल है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है, बस बहुत ही इजी तरीके से हमारा जो थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। सो दोस्तों आपको थंबनेल कैसा लगा कॉमेंट बता देना, थंबनेल अगर ज़रा सा पसंद आया होना तो एक लाइक कर देना, और जो भी भाई चैनल पर नया वो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। तो देख सकते हो थंबनेल की क्वालिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।